अभी का आपने कोई अपना डॉक्यूमेंट है वो नोटरी करवाना है, तो कैसे वो फर्जी या नकली है या वास्तव में आपका कागज नोटराइज हुआ है या नहीं, तो इससे होने वाले फर्जीपन से या धोखेबाजी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। और क्योंकि बहुत से जो डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं आप सभी के लिए और नोटरी आप करवा लेते हैं और जानकारी का अभाव होता है, तो कई बार गलत तरीके से कोई कागज़ नोटरी हो जाता है। यहाँ तक भी होता है कि आपके जो कागज़ नोटरी भी है वास्तव में वो नोटरी था ही नहीं जिसने आपके कागजात पर हस्ताक्षर किए। तो कैसे बचें ऐसे फर्जीवाड़े से, और कैसे पता चलेगा कि आपने जो अपने जो कागज़ है वो नोटरी करवाए हैं वो सही है या गलत हुई है। तो इसके लिए जो नोटरी एक्ट है उसमें जो भी कोई नोटरी अपॉइंट होता है उसे एक अपना रजिस्टर अपने नोटरी काम के लिए जो वह करता है उसके लिए रजिस्टर बनाना होता है, और उस रजिस्टर में जो भी वह कार्य नोटरी से संबंधित करता है नोटरी वह उसमें हर काम को लिखता है और एक सीरियल नंबर और जिस दिन वह कार्य होता है वो तारीख उस पर लिखता है, और जो दस्तावेज जो उसका विवरण होता है वो उस नोटरी रजिस्टर में लिखता है, और जिस नंबर पर वह लिखा जाता है वही नंबर आप जो कागजात नोटरी करवाते हैं उन पर भी वह नंबर लिखा जाता है और आपके हस्ताक्षर भी वह नोटरी अपने रजिस्टर में करवाता है। तो ये सारी प्रक्रिया यदि की है, आपने नोटरी रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर किए हैं और अपने जो पार्टिकुलर जो आपने काम करवाया है वो आपके सामने नोटरी रजिस्टर में लिखा गया है, और आपके भी जो कागज़ है जिस पर नोटरी की सील लगी है उस पर भी वही नंबर लिखा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि आपने सही नोटरी करवाई है और ये जो कागजात है वो आपके बिल्कुल कानून के मुताबिक सही है, और जहाँ भी जिस भी कार्यालय में आप ऐसे अपने जो दस्तावेज हैं उन्हें प्रस्तुत करेंगे तो वो बिल्कुल स्वीकार किए जाएंगे और आप इस प्रकार से धोखाधड़ी से भी बच जाएंगे। तो ये जानकारी थी जो आप सभी को शेयर करनी थी। मैं समझता हूँ जानकारी जरूर आप सभी के काम की होगी और महत्वपूर्ण भी आप सभी के लिए। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।